देखिए, व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट और अपेरेंटली। बट नॉट रियली और एज इफ इट वर। दूसरे सेंस में आप कह सकते हो इसको, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्लिगेशन। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज इज नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल बट वन विच इज ट्रीटेड, वट विच इज ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्चुअल बाई लॉ। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बड़ा सीधा बता रहा हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिए, समझा देता हूं, शेयर कर देता हूं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नोट करो। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट में एक बात होती है कि दो पार्टीज तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा ही होगा। सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ टू पार्टीज, मिनिमम टू पार्टीज मस्ट बी देयर। सो दो पार्टीज आर देयर बट उसमें से एक पार्टी डील नहीं करता है, एक पार्टी इस बात को नहीं मानता है या उसको पता भी नहीं होता है कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट गोइंग ऑन। कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किसी ने किया हुआ है, उसको पता नहीं है या वो नहीं समझता है, उसको ट्रीट नहीं करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। या वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता तो वो रिजल्ट होता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो लीक, देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, दो पार्टीज चाहिए, दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट का इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। तो जो ये अग्रीमेंट वाला प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एक पार्टी थोड़ा गच्चा खा जाता है। गच्चा मतलब थोड़ा हल्का हो जाता है, पता भी नहीं चलता उसे। तो मतलब क्या है, सीधे सीधे अगर मैं मुद्दे पर एक लाइन में बात करूं, एक पार्टी को पता नहीं होता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन दूसरा पार्टी जो है इंटरेस्ट रखता है कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल दोनों, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वो बाई लीगल करता है। अब ये आप सोचोगे कि सर ये फालतू की चीजें हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट फालतू, ये फालतू की चीज नहीं है, बड़े काम की चीज है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइनर्स की लाइबिलिटी, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा सेक्शन माइनर्स के लिए, सेक्शन 11 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि भाई माइनर का हर एक पॉइंट क्लियर कर लेना, और उसी उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी चेन में। नाउ अब कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सबको पता है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉयड एब इनिशियो होता है। तो ये जनरल रूल बन गया कि एक माइनर जो है कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं। लेकिन सेक्शन 68 अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है और वो कहता है कि भाई माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, मानते हैं, लेकिन माइनर को अगर नेसेसरीज की जरूरत पड़ जाए तो उसको नेसेसरीज दिया जा सकता है। जो आप लोग ध्यान से समझना, फर्क है, फर्क है। नेसेसरीज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और होता भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। नेसेसरीज में नेसेसरीज में कॉन्ट्रैक्ट होता भी है और नहीं भी होता है। नेसेसरीज का मतलब क्या होता है वो पहले समझते हैं।
नेसेसरीज का मतलब होता है नॉर्मली रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, ये सारी जो मेडिसिन, ये सभी जो चीजें हैं नॉर्मली इसको नेसेसरीज के अंदर काउंट किया जाता है। अब कोई माइनर है, अब एक फैमिली के बारे में थोड़ा सोचो कि एक आदमी है, मतलब फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, अचानक से उसका जो मेल मेंबर है, जो हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई इन रोड एक्सीडेंट, और इस सदमे में वाइफ जो है ऑलमोस्ट डन पागल हो गई, और एक माइनर बच्चा रह जाता है। माइनर बच्चा 4 साल का 5 साल का हो सकता है ना, अब उस माइनर बच्चे का क्या होगा, लेकिन जो मरा उसके पास अच्छा खासा संपत्ति था, अच्छी खासी रकम छोड़ के गया, अब भोगने वाला कोई नहीं, एंजॉय करने वाला कोई नहीं, वाइफ पागल हो चुकी है, शी इज एडमिटेड इन ए मेंटल हॉस्पिटल, और बेटा है माइनर है। तो वैसे कंडीशन में अगर कोई उस माइनर को पढ़ाता है, लिखाता है, उसका इलाज कराता है बीमार होने पर, मेडिकल फैसिलिटीज जिसको हम कहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन देता है, इसको हम नेसेसरीज बोलते हैं। This is called necessary. अब सवाल ये उठता है कि माइनर को तो पता नहीं है कि मेरे को रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कहां से कैसे मिल रहा है। लॉ कहता है कि जिस माइनर को आपने necessary प्रोवाइड किया था, एक मेजर, समझदार, साउंड माइंड, हेल्दी आदमी ने, वो आदमी बाद में उस माइनर से रीइंबर्स करवा सकता है पैसे, जो पैसे उसने उसके ऊपर नेसेसरीज के लिए खर्च किया था। ये बात आती है सेक्शन 68 के अंदर, और इसी में ये प्रोविजन दिया गया है। और यहां पर देखिए बड़ा, तो ये माइनर से क्यों जोड़ रहा हूं मैं, और माइनर से इसका लिंक क्या है, रिश्तेदारी क्या है, वो जरा समझते हैं। बहुत क्लियर सा रिश्तेदारी है। देखो यहां लाइन में पहले आपके लिए रीड कर देता हूं। देखो कहा है, If a person incapable of entering into a contract, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। If a person incapable of entering into a contract, मतलब अगर कोई पर्सन अक्षम है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, और आपको पता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो तो ऑलरेडी माइनर है, बाप तो मर चुका, माँ पागल हो गई, सो मदर इज नॉट इन ए साउंड माइंड, तो उससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, किसी का था पता आपको पता नहीं, या आप जानते हो कि उसका कोई इस दुनिया में है नहीं, तो बच्चा कौन ले दे करके, एक बच्चा, और बच्चे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। मोहरी बीबी ने कहा था कि सपने में कि बेटा मत करना, क्योंकि करेगा तो वर्ड एबिनिशियो हो जाए। सो इनकैपेबल ऑफ इंटरिंग इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर इज ऑल्सो इनकैपेबल ऑफ इंटरिंग इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट। या दूसरी बात, एनी वन होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, और एक बात तो ये हो गई कि दूसरा यहां पर कहा है, इफ ए पर्सन हु लीगली बाउंड टू सपोर्ट, अगर वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट होता है तो, इज सप्लाइड बाई अनदर पर्सन, अगर वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट होता है या इनकैपेबल होता है, दो चीजों में, ये दो conditions लगा दिए, और उसको supply किया जाता है with necessaries suited to his condition in life, तो बच्चे के लिए जो suited है, जो जरूरी है, वही necessaries देगा। बच्चा अब 10th class में गया, बोलता है मेरे को BMW चाहिए और Yamaha चाहिए और Ferrari चाहिए, तो वो necessaries में include नहीं है, it is not included in necessaries। necessaries का मतलब जितने में आपकी जिंदगी चल जाती है, यू कैन सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए जो चीजें जरूरी हैं, दैट इज कॉल्ड नेसेसरीज। नाउ द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, यहां से आपके लिए काम की चीज, हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज इंटाइटल्ड, हकदार होगा टू बी रीइंबर्स्ड from the property of such incapable person।
सो उस इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से रीइंबर्स कराने के लिए हकदार होगा। और इलस्ट्रेशन ये बहुत खुल के दिया है, ए सप्लाइज बी ए ल्यूनेटिक, बी कौन है, ल्यूनेटिक है, विथ नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। तो गांव में कहावत है, आप लोग सब जानते हैं, समझदार लोग हैं, गांव में कहा जाता है कि जिसके घर के छत पे ना गेहूं सूखता है उसी को लोग आटा उधार देते हैं। मीनिंग देयर बाय कि जिसके पास से आपको कुछ मिल सकता है, यानी आपके मिलने के चांसेज हैं, उसी को आप नेसेसरी प्रोवाइड कर रहे हो। नाउ द सेकंड यहां पर है, ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी, बी के बच्चे को और बी की बीवी को ए सप्लाई करता है नेसेसरीज, लुनेटिक है दोनों, टू देयर कंडीशन इन लाइफ, ए इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। तो ये ए जो है रीइंबर्समेंट के लिए बिल्कुल सुटेबल है। नाउ